हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल में। मेरा नाम है कस्तूरी। ये लोगो डिज़ाइन का लाइव ट्यूटोरियल है। तो ये मेरे पास एक लोगो आया हुआ है, एशियन पेंट जो दिख रहा है, ये रेफरेंस है, जो रेफरेंस मिला है मेरे क्लाइंट से। ये रैपिड बूस्टर जो है कंपनी का नाम है, और ये दो कलर आपको दिख रहे हैं, ये रेफरेंस कलर है जो क्लाइंट ने दिए हैं। तो इस कलर कम्बिनेशन से और एशियन पेंट्स के रेफरेंस लेके और इस नाम से हमें एक लोगो बनाना है। तो रैपिड बूस्टर जो है इसका आर और बी हम ले सकते हैं, जैसे एशियन पेंट का उसने ई और पी ले रखा है। तो सबसे पहले मैं इसका एक ग्रेडियंट बना लेता हूँ जो कलर रेफरेंस क्लाइंट ने दिया है, क्योंकि ग्रेडियंट बनाने से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लुक देखने में आता है जो लोगों के ऊपर होता है, क्योंकि थोड़ा सा 3D फील आ जाएगा। तो मैं उसी कलर से ग्रेडियंट बना रहा हूँ, थोड़ा सा लाइट और डार्क लेके, जो क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है, आप ये देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस रैपिड बूस्टर का फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा सा मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कोकोन फॉन्ट जो होता है बहुत ही फेवरेट मेरा फॉन्ट है, तो ये मैं कोकोन फॉन्ट ले लिया हूँ। तो इसमें आर और बी, मैं इसका दोनों जो इनिशियल लेटर है इसको मैं अलग कर लिया हूँ। तो इसको हम कंबाइंड करके कुछ बनाने को ट्राई कर रहा हूँ मैं, जैसे एशियन पेंट का रेफरेंस क्लाइंट ने दिया है। तो यही सबसे टफ काम होता है लोगों का, लोगो बनाने का, किसी लेटर को कंबाइंड करना, जो क्लाइंट चाह रहा है उसको कंबाइंड करके एक रूप देना जो कि अच्छा भी देखने में लगे और उसका जो मेन मकसद है दिखाने का वो भी दिखे। इसमें आर और बी भी दिखे और दोनों लेटर कंबाइंड हो जाए, ऐसा ना लगे कि हमने आर और बी अलग से केवल टाइप करके रख दिया है। तो मैं इसको अलग अलग करके ज्वाइंट करके ट्राई कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम होता है, कई बार हम करते करते फटाफट हो जाता है, कई बार बहुत टाइम ले लेता है। तो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि लग रहा है कि बी ज़्यादा दिख रहा है, आर कम दिख रहा है। तो मैं इसको काट के देख रहा हूँ ट्राई करके। इस तरीके से अलग अलग आपको ये लाइव ट्यूटोरियल बनाने का मकसद ये है कि आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसे हम बनाते हैं, किस तरीके से दिक्कतें आती हैं और किस तरीके से हम आइडिया को जनरेट करते हैं। कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि इस ट्रिक से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने देखो ए बनाया, मुझे लग रहा था कि ए जैसा लग रहा है, इसे मैं पलट करके देखा तो ये पलट करके ए नहीं लग रहा है, उल्टा ए हो रहा है। तो हम आर और बी इसको मान सकते हैं हल्का सा। तो मैं इसमें कलर डाल के देख रहा हूँ। तो मेरा मकसद ये है कि आपको दिखाऊं कि आइडिया जनरेट कैसे होता है। कोई पर्टिकुलर इसके लिए कोई बुक नहीं है, ना कोई ऐसा कोई ट्रिक है कि इसे आइडिया जनरेट होता है। ये ऑटोमेटिक जब आप उस पर काम करेंगे तो करते करते ऑटोमेटिक माइंड में आ जाता है कि हम ऐसे करेंगे तो बेटर लगेगा, कोई अच्छा लगता है कोई नहीं लगता है। इस तरीके से आप खुद देख देख के आप इस पर R&D कर सकते हैं। जैसे आर और बी थोड़ा सा लग रहा है, तो अब मैं इसमें 3D लुक देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर ये कर्व है यहाँ से ऐसा लगे कर्व होकर ये अंदर की ओर जा रहा है। तो इसको मैं ट्रेस करके थोड़ा सा इसमें कलर डालूंगा, जैसे एशियन पेंट में है। अब देखेंगे कि जहाँ पे कर्व होता है तो वहाँ पे डबल कलर आता है, ऐसा लग रहा है कि वो मुड़ रहा है वहाँ पे और अलग कलर वहाँ से पीछे से दिख रहा है। तो उसमें डेप्थ इससे पता चल जाता है। जैसे मैंने इसको ट्रेस कर लिया तो इसे देखिए थोड़ा सा अलग कलर इसमें डाल दिया, तो इसे उसकी डेप्थ आ रही है यहाँ पर, कि लग रहा है कि यहाँ से मुड़ रहा है, 3D लुक आ रहा है। तो क्योंकि आजकल थोड़ा सा 3D का ज़्यादा ट्रेंड है तो इस थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने को। अब इसमें मैं बी में भी ट्राई कर रहा हूँ इसी जैसा। तो देख सकते मैं इसमें स्मूथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बिल्कुल लाइव प्रोजेक्ट है। मैं स्पेशली आपको अलग से, मेरे को माइंड में नहीं है क्या बनेगा कैसे बनेगा, बना बना के आपको मैंने रिकॉर्ड कर लिया था जब मैं बना रहा था ये, और ये ऑडियो मैंने अलग से डाला है बनाने के बाद, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा कुछ इसमें बात कर पा रहा हूँ। इसमें एक कमांड नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ। आपको ये दिखाने का मकसद ये है कि आप लाइव लोगो कैसे बनता है, आप इसको देख सकते हैं।
और इससे शायद आपको कुछ फ़ायदा हो सके कि हम कैसे आइडिया को जनरेट करके उस आइडिया को कंबाइंड करके इन लोगों का शेप हम कैसे देते हैं। तो इससे कई बार हमें फ़ायदा मिल जाता है। कई बार मैं स्टार्टिंग फेज में मैं काफ़ी कुछ सर्च कर रहा था कि ऐसा कुछ प्रोजेक्ट मिले, लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा था मेरे को। तो इसलिए मुझे लगा कि किसी को ज़रूरत होगी तो उसको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा ट्यूटोरियल बहुत मिल जाता है जो कि प्री प्लान होता है। प्री हमें ऐसा लोगो बनाना है तो वैसे ही हम सेम बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है पहले से हम, और इसको अलग अलग हम वर्जन दे सकते हैं, जैसे ब्लू और जो लाइट वाला है और एक डार्क वाला है। तो ज़्यादा लाइट और ज़्यादा डार्क जो ज़्यादा बेटर लग रहा है उसको हम दिखा के बना सकते हैं। जैसे मैंने एक डार्क वाला बना दिया, इस जो दो वर्ड है इसमें दो वर्ड का कंबाइंड है, तो हम अलग अलग वर्ड को अलग अलग कलर दे के देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। सिंगल कलर भी दे सकते हैं, लेकिन एक वेरिएशन मिल जाएगा कि कैसे कैसे इसमें हो सकता है। इसमें मैं ट्राई करके देख रहा हूँ कि क्या बेटर रहेगा। जैसे इसमें मैंने ये ट्राई किया है कि बी का जो लेटर है ब्लू, तो बी ब्लू से दिखे, और आर जो है जो रैपिड है वो वाला ब्लू दिखे। दोनों ब्लू है लेकिन एक लाइट और डार्क, तो बैलेंस बन जाए इसे थोड़ा सा। एक तरफ ज़्यादा कलर ना दिखे, एक तरफ ज़्यादा कम कलर ना दिखे, तो ये मकसद है। इस तरीके से इसका और मैं एक ऑप्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक उसके उल्टा हो गया, जैसे पहले उसमें जो कलर लाइट है उसको मैंने डार्क कर दिया, जो डार्क था उसको लाइट कर दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन में बना दिया। ये देखिए तीन ऑप्शन बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।